पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर बना है। पुरातत्व विभाग का दावा है कि 1300 साल पुराना मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर के अलावा छावनी, प्रहरी की मीनारें और पानी का कुंड भी मिला है। अवशेषों का यही ढेर भगवान विष्णु के मंदिर है। जो पाकिस्तान के आंगन में मिला है, जो इमरान के मुल्क की चौहद्दी में जमीन के अंदर मंदिर बना है। मंदिर के आसपास कुंड बना हुआ है। उस छावनी के साक्ष्य मिले हैं मंदिर के पास, जहां पहरेदार रहते थे। खैबर पख्तूनख्वा में बारीकोट घुंडई में खुदाई के दौरान इस मंदिर का पता लगा। खैबर पख्तूनख्वा के पुरातत्व विभाग के फजले खलीक ने ऐलान किया है कि यह मंदिर भगवान विष्णु का है। पुरातत्व विभाग के फजले खलीक ने बताया कि यह मंदिर 1300 साल पहले हिंदू शाही काल के दौरान बनाया गया था। हिंदू शाही या काबुल शाही यानी 850 से 1026 ईस्वी के बीच एक हिंदू राजवंश था, जिसने काबुल घाटी, कंधार और वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को मंदिर स्थल के पास छावनी और प्रहरी की मीनारें भी मिली हैं। बताया गया कि खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को मंदिर स्थल के पास छावनी और जहां पर पहरेदार रहते थे उससे मिलते निशान भी मिले हैं। विशेषज्ञों को मंदिर के पास एक पानी का कुंड भी मिला, जो कि बताया जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं द्वारा पूजा से पहले स्नान किया जाता था। स्वात जिले में मिला गंधार सभ्यता का यह पहला मंदिर है। स्वात जिला पाकिस्तान के शीर्ष 20 स्थलों में से है, जो प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और पुरातात्विक स्थलों जैसे हर तरह के पर्यटन का घर है। स्वात जिले में बौद्ध धर्म के भी कई पूजा स्थल स्थित हैं। यूं तो पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है, हिंदुओं के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। ऐसे में 1300 साल पुराने मंदिर मिलने की चर्चा चारों तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।